हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में। तो कैसे सब, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम कुछ इस फोटो को एडिट करने वाले हैं। तो फोटो ही देख लो कितने में, ये फोटो देखते हो, ये वाला फोटो, इस वाले फोटो को हम कुछ इस तरह से एडिट करने वाले हैं। तो जूम करके देखा हो, फोटो देखने में देखो कितना मक्खन जैसा दिख रहा है। तो इस फोटो को लेकर चलते हैं लाइट रूम में और देखते हैं इस फोटो को कैसे एडिट किया है। तो मिलते हैं लाइट रूम में। सकते हो लाइट रूम में फोटो को इनपुट कर दिया है। इनपुट करने के बाद जो फोटो एडिट करने का उस फोटो को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हो तो फोटो के इस तरह का है, इस तरह का है। फर्स्ट स्टेप है कि ऑटोमेटिक यूज करेंगे। ये होने के बाद आते हैं लाइट वाले ऑप्शन पे। लाइट वाले ऑप्शन आने के बाद इधर हाईलाइट थोड़ी कम कर देते हैं, शैडो थोड़ी बढ़ा देते हैं। शैडो बढ़ाने के बाद वाइट्स थोड़ी बढ़ा देते हैं और ब्लैक को थोड़ा ब्लैक ही कर देते हैं। ये होने के बाद आ जाते हैं इस वाले टूल पे। आने के बाद आते हैं मिक्स टूल पे। आने के बाद मिलता है रेड वाले कलर पे। वो थोड़ा कर देते हैं, सिचुएशन को थोड़ा कम कर देते हैं और लुमिनस थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये होने के बाद आते हैं अपने फेस वाले कलर पे। आने के बाद थोड़ी इसका वो को बढ़ा देते हैं, सिचुएशन थोड़ा कम कर देते और लुमिनस थोड़ा बढ़ा देते। तो देख सकते हो इस तरह से बन गया है फोटो कुछ। आ जाते हैं ग्रीन वाले कलर में। आने के बाद उसका सिचुएशन को पूरा माइनस की ओर लेके चलते हैं। देखते हो कुछ इस तरह से, और मिल जाता है ए वाला टूल को फुल माइनस की तरफ से। देख सकते हो कुछ इस तरह से फोटो बन गया होगा। ये होने के बाद जाते हैं इस वाले कलर में आने के बाद इस वाले को थोड़ी सिचुएशन इस तरफ लेके चलते हैं और थोड़ी सिचुएशन कम कर देते हैं। आ जाते हैं इस वाले कलर में आने के बाद इसको भी थोड़ा इस तरह से कर देते हैं। तो देख सकते हैं फोटो कुछ इस तरह से बना होगा। ये होने के बाद आ जाते हैं इधर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह से बना देते हैं। टिन को थोड़ा कम कर देते हैं इस तरह से, लुमिनस थोड़ा बढ़ा देते हैं और सिचुएशन बढ़ा देते हैं। देख सकते हो कुछ फोटो कुछ इस तरह से बन गया है। ये होने के बाद जाते हैं इस वाले टूल पे आने के बाद विग्नेट थोड़ा डाल देते हैं, मिड पॉइंट थोड़ा डाल देते हैं, फेदर को बढ़ा देते हैं, लाउडनेस को बढ़ा देते हैं। ये होने के बाद जाते हैं इस वाले टूल पे, इस पर थोड़ी स्नैपनिंग नॉइस रिडक्शन और ये कलर नॉइस रिडक्शन। ये होने के बाद आ जाते हैं इस वाले टूल पे। इधर आने के बाद सिचुएशन को पूरा बढ़ा देते हैं और उनको देखते हैं इस तरह से माइनस के ऊपर लेके जाते हैं। देख सकते हो फोटो इस तरह से बन गया होगा इधर भी इस तरह के। तो देख सकते हो फाइनल फोटो, देख सकता हो बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। ये देखो बिफोर कुछ इस तरह से फोटो था और कुछ इस तरह से फोटो को कर दिया। तो देख सकते हो ये रहा बिफोर और ये रहा आफ्टर। तो ये रहा मतलब पूरा कैसे करना है हो रहा। और ये अगर एक ही क्लिक में करना होगा तो इसके लिए प्रीसेट भी बना के दिया है। तो देख सकते हो प्रीसेट की मदद से भी देख सकते हो कैसे करना का हो, देख सकते हो। तो प्रीसेट की मदद से दिखा देता हूँ कि फ़ोटो को कैसे एडिट किया है। वो देख सकते हो लाइट रूम में आ गए। आने के बाद ये वाले फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से था। आने के बाद ये वाला प्रीसेट है। तो इस वाले प्रीसेट को थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद कॉपी सेटिंग कर देते हैं। देख सकते हो सेटिंग कुछ इस तरह से है। सेटिंग करने के बाद कॉपी सेटिंग हो गया है। आ जाते हैं अपने मेन वाले फोटो आने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके पेज सेटिंग कर देना है। तो देख सकते हो एक ही क्लिक में फोटो मक्खन जैसा एडिट हो गया है। जूम करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से फोटो। देख सकते हो बिफोर, देख सकते हो ये रहा बिफोर आफ्टर। फोटो में कुछ थोड़ा सा ही मतलब देख सकते हो जो करके दिखा है एक ही क्लिक में हो सकता है। तो सेव करने के लिए आ जाते हैं इस वाले टूल पे। इधर आने के बाद स्टेटस कर दिया डन। तो प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उधर जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।